हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वन शॉट वीडियो। इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल की वन शॉट वीडियो कवर कर चुके हैं। उनका वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो साइड में लिखा हुआ है इस टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस होता है वो, फिर कंसिस्टेंस कंसिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म, ग्राफिकल, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये चार टाइप की, नंबर वाली, एज वाली, टाइम एंड डिस्टेंस, फिक्स चार्ज, बोट एंड स्ट्रीम्स, ये सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नाम है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिनका ग्राफ हमारा लीनियर फॉर्म में है, इस टाइप का नाम हो। ये होती है हमारी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा पैराबोला बनता है। लीनियर इक्वेशन मतलब कैसी हो, इसका ग्राफ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, बट ओनली लीनियर इक्वेशन हो। टू वेरिएबल मतलब जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, एक्स प्लस वाई दो वेरिएबल हो जाए, वाई प्लस जेड ये दो वेरिएबल हो गए, मतलब इसके अंदर दो वेरिएबल हो, ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कई सारे, जैसे कि 3x plus y equal to 8, 9x plus 8y equal to 7, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। इसके अंदर दो वेरिएबल है, इनके ग्राफ बनाएंगे तो हमारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनकर आएंगे। ये होते हैं लीनियर इक्वेशंस। खत्म हो गया इंट्रोडक्शन, यही था, काफी है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये खत्म, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब होता है ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन, जिनके एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो। मतलब देखिए, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा हमने लिख लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, इसके वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, x माइनस वाई 5x इक्वल टू 2, ये हमारी x की वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम एक्स की वैल्यू से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे ये है तो इसके लिए अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 17/5। इस इक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी हमारी 17/5 निकल के आएगी। मतलब कि ऐसा सेट ऑफ इक्वेशंस जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो या फिर एक्स और वाई की वैल्यू उनकी दोनों की एक ही हो, उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जैसे ये और ये है तो इसमें x की वैल्यू 17/5 है, इसकी 17/5 है, दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू 17/5 रख के काम हो जाएगा, y की वैल्यू भी निकल जाएगी, वो भी सेम ही आएगी दोनों के लिए। मतलब कि ये दोनों साइमल्टेनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। क्या ये साइमल्टेनियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन? कोई सेट हमारा कब होगा किसी लीनियर इक्वेशन का? सेमेटेरियल सेट का होगा जब दोनों की एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो, दोनों को रखने पे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो इधर एलएचएस साइड 8 और आरएचएस साइड 8 दोनों हो जाए, तो ये हमारा सिस्टम ऑफ सेमेटेरियल सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है। समझ गए? ठीक है, सिंपल, ये भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे एल्जेब्रिकल मेथड, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, उसे बोलते हैं सॉल्व करना। जैसे हमारी ये हमारा जैसे ये था x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये था। ठीक है, अब इन दोनों के x और y की वैल्यू को निकालना ही बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर क्या होता है, इन दोनों में x और y की वैल्यू निकालनी है या फिर इनको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब हो गया इन दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी और इसकी वाई की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों इन दोनों इक्वेशंस की निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए कवर करने के लिए तीन मेथड होते हैं। पहला होता है एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस बार के सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, हमारा एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन, तो इन दोनों को ही कवर करेंगे। इन दोनों में भी जो मुझे मैं प्रेफर करता हूं होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बहुत ज्यादा सिंपल होता है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो देखिए एलिमिनेशन मतलब होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड, देखिए इन मेथड्स का काम होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना काम होता है इन मेथड्स का। इन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को एल्जेब्रिकल मेथड बोलते हैं या फिर एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, और जो ग्राफ वाले होते हैं इनको सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है ग्राफिकल मेथड।
वो भी होता है, वो ग्राफ के जरिए होता है। ये हम एनालिटिकल और एल्जेब्रिकल मतलब जो हम पेन को यूज करके सॉल्व करते हैं कॉपी पे, ग्राफ का मतलब ग्राफ पेपर पे यूज करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वर्ड आता है एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, नाम समझ आ रहा है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होगा, हम किसी वेरिएबल को खत्म कर देंगे, जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है x plus y equal to 7 and x minus y equal to 8। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ें, ऐड करें, तो एक y प्लस का एक y माइनस का कट जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, 7 और 8 15, x की वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन 2, सिंपल खत्म। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, y की वैल्यू निकल आएगी, समझ में आ गया। ठीक है, खत्म हो गया ये बात, ये हमारी x वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है 15 अपॉन 2 प्लस y इक्वल टू 7, इसको जब ट्रांसफर किया y इक्वल टू 7 माइनस 15 अपॉन 2, y इक्वल टू 14 माइनस 15 अपॉन 2, y की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब बताया मैंने कि हमें किसी एक वैल्यू को खत्म करना है, चाहे वो प्लस से खत्म कीजिए चाहे माइनस से खत्म कीजिए। हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन मुझे दिख रहा था कि एक प्लस का एक माइनस का है, मैं अगर इससे इसको ऐड करूंगा तो प्लस माइनस से कट जाएंगे सिंपल, तो मैंने इनको ऐड कर लिया दोनों इक्वेशंस को, ये हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया सिंपल। अब देखिए जैसे है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा है। अब इसमें क्या करना है, सपोज कीजिए मुझे एक्स को हटाना है, हमको y नहीं हटाना, हमको x को हटाना है, हम यहाँ से y हटा से डायरेक्ट ऐड करेंगे तो एक प्लस का y एक माइनस का y है, लेकिन मुझे x को ही हटाना है, मेरा मन कर रहा है कि मैं x को ही हटाऊंगा, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, जैसे क्वेश्चन के अंदर लिख के आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y ओनली, अब y की वैल्यू निकालनी, अगर आप यहाँ से ऐड करोगे तो y तो वही कट ही जाएगा, तो y की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो हमें x को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ पे भी x प्लस का है, अगर हम प्लस प्लस की चीजों को ऐड करते हो तो प्लस हो जाएगी ना, कैंसिल आउट होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे माइनस कर देगा, एल एच एस में से एल एच एस को माइनस कीजिए, एक्स प्लस वाई, ये इसका एल एच एस हो गया, ये इसका एल एच एस है, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 - 8, 4 - 8, एक्स प्लस वाई माइनस अंदर गया माइनस एक्स, माइनस यहाँ पर आया माइनस, प्लस प्लस वाई इक्वल टू 4 - 8, माइनस का 4, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट, वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू माइनस का 4, 2 से ये गया 2 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई माइनस 2। ठीक है, इसी को हम जो मैंने अभी किया था लाइन खींच के वो कैसे करते हैं, देखिए हमें क्या करना था, इसमें से इसको माइनस करना था, ऐसे हमने लाइन की, जब माइनस करते हैं तो इन सभी के साइंस को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम माइनस किया तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस का था लेकिन वो कैसा हो गया माइनस का, y माइनस का था वो कैसा हो गया प्लस का, और ये 8 हमारा प्लस का था लेकिन ये हो गया माइनस का, तो माइनस जब करते हैं हम किसी इक्वेशन में से किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन सारे चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया। अब हम इनके आगे इन साइन को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जो ऑलरेडी साइन थे इनको भूल जाएंगे, अब इसका साइन ये है, तो एक्स प्लस का और एक्स माइनस का, एक्स प्लस का एक्स माइनस का कैंसिल आउट, वाई प्लस का वाई प्लस का ये तो कटेगी नहीं तो 2y हो गया, 4 प्लस का 8 माइनस का तो 4 में से 8 वो भी माइनस के तो क्या आ गया माइनस 4, y की वैल्यू माइनस 2 हो गया। ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करके दिखा दिया और ये यहाँ पे आपके तरीके से करके दिखा दिया, समझ में नहीं आया तो रिपीट कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब कि हमको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, यहाँ पर सिंपल और कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई मैंने बहुत बड़ी साइंस नहीं लगा दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा दी, बहुत सिंपल चीज है। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिया x प्लस 3y इक्वल टू 8 और मैंने लिया x प्लस y इक्वल टू 7, अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए क्या करना है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, फाइंड x, हाँ एक्स वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर ये नहीं ये है, ठीक है, और ये हमारा वाई है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब हमको क्या होता है, हमको किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, अब यहाँ पर उसने एक्स की वैल्यू पूछी है तो हम एक्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, हाँ हम एक्स को एलिमिनेट नहीं, एक्स नहीं यहाँ पर वाई ही कर दीजिए,
हाँ वैल्यू हमें वाई की निकालनी है, तो हमको क्या वाई की वैल्यू निकालनी, तो हमें वाई बचा कर रखना है, वाई की जो वैल्यू निकालनी है उसके अंदर हमें वाई को बचा कर रखना है और एक्स को हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि एलिमिनेशन मतलब ही होता है एलिमिनेट करना। अब यहाँ पे एलिमिनेट कैसे होगा, यहाँ पे तो वेरिएबल भी सेम नहीं है, वो सॉरी कॉन्स्ट वेरिएबल क्या जो कोफिशियंट है वो भी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा पहले इनका कोफिशियंट सेम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3x है यहाँ पे ओनली x है, तो कटेंगे तो जब ना पहले सेम हो तभी तो कटेंगे, तो क्या करेंगे हमें सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे जो इसके आगे जो हमें वेरिएबल हटाना है, जो वेरिएबल हमको एलिमिनेट करना है, उस वेरिएबल के आगे जो कोफिशियंट है वो बराबर करने होते हैं पहले हमें, जब तो एलिमिनेट होंगे 3x में से 3x भी तो घटा सकते हैं, 3x में से 2x को माइनस करेंगे फिर भी 1x बच के आएगा, 3x में से अगर हम 1x को हटा देंगे फिर भी 2x बच के आएंगे, तो एलिमिनेशन कहाँ हुआ। एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चा कि हमको किसी एक वेरिएबल को हटाना है बिल्कुल, चाहे वो डिवाइड करके हटाइए, मतलब जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता है x अपॉन 3 तो हमें इसके अंदर 3 का डिवाइड करना होता, तभी तो ये सेम होती फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पे 3 लिखा है ये मल्टीप्लाई, तो हमको चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे डिवाइड करना पड़े, लेकिन हमको क्या करना होता है वेरिएबल पूरा का पूरा सेम करना होता है, ये हमारा सिंपल फंडा है एलिमिनेशन का। ठीक है, यहाँ पे 3x और 3 का मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी हमारी 3x, 3 का मल्टीप्लाई किया 3x, 3 का मल्टीप्लाई किया प्लस 3y, 7 3 21, ये वाली इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में सेम है, देखिए 3x प्लस y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 21, वेरिएबल हो गए सेम। ठीक, वेरिएबल हो गए सेम, वेरिएबल सेम हो गए, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन साइन देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, प्लस का 3 प्लस का 3x ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे 6x, यहाँ पे y प्लस 3y 4y, एलिमिनेशन तो हुआ ही नहीं, हम कर क्या रहे हैं एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट करना खत्म करना है, खत्म तो हुआ ही नहीं, और इतना बड़ा कर दिया फायदा क्या हुआ, तो क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना, समझे ना माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो एलिमिनेट हो ही नहीं रहा, लेकिन इसमें से मैं इसको माइनस कर दो तो एलिमिनेट हो जाएगा, देखिए माइनस कर दो साइन चेंज, प्लस अभी चीज माइनस की, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का 3 माइनस का 3x कैंसिल खत्म, प्लस का y माइनस का 3y क्या आएगा माइनस 2y, प्लस का 8 माइनस का 21, 21 में से 8 गए कितने बचे माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू कितना आ गया 13/2, सिंपल खत्म, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, समझ गए एलिमिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन हमारा हो चुका है, एलिमिनेशन जो मेथड था वो हो चुका है, एलिमिनेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट केस लिखा रखा है मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट केस उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्या होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इस बार, क्वेश्चन है हमारा 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। इस वाले एलिमिनेशन को कैसे करेंगे, ये जो हमारा एलिमिनेशन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट केस है, देखिए क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये जो क्वेश्चन है तो जरा अगर हम इनको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो एक्स का कोफिशियंट है वही वाई का कोफिशियंट है, यहाँ पर जो वाई का कोफिशियंट है वही एक्स का कोफिशियंट है, तो क्या हुआ बच्चा यहाँ पर जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं हमारे एक्सचेंज कर दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, जो यहाँ पर है वो यहाँ दे दिया, जो यहाँ पर है वो यहाँ दे दिया, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट केस वो जब ही लगेगा हमारे x और y के कोफिशिएंट चेंज होंगे। अब ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन में क्या करना होता है हमको किसी एक वेरिएबल को पूरा एलिमिनेट करना होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम x को भी एलिमिनेट करने आते हैं तो हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये बराबर हो सके दोनों इक्वेशंस में, है ना, और पहले तो वो पता करना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पहले हम पता कर लें कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से बराबर हो, फिर उनको माइनस अपडेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और क्वेश्चन काफी हो जाएगा, नहीं थी हमको अपना टाइम बचाना पेपर के अंदर, तो क्या करना होता है ये जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ जब ही लगेगा हमारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट एक्सचेंज हो। ठीक है, तो क्या करना होता है एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ठीक है, और एक बार इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, देखिए ऐड करते हैं सबसे पहले 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y
इक्वल टू माइनस 604 डायरेक्ट ऐड किया है, डायरेक्ट ऐड करते हैं साइन चेंज नहीं होते, तो 378 152 6 ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 226x, इसमें से भी 226y माइनस का आएगा यहाँ से भी, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका साइन आता है 226y, और यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 604 प्लस 74 876 क्या आ गया माइनस का 678। ओके अब क्या करना है अच्छे से देखें, तो यहाँ पर माइनस 226 या और माइनस 226 कॉमन, हमने कॉमन लिया, ये तो हमारे सॉल्व करने का तरीका होता है, सबको पता होता है x प्लस y इक्वल टू माइनस 678, माइनस से माइनस गया, 226 से 678 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x प्लस y इक्वल टू 3, डिवाइड करके देख लीजिए 226 इंटू 3, 6 थ्री 18, 3 टू 6 7, 3 टू 6 6 78 यही आ रहा है x प्लस y इक्वल टू 3। फिर से समझते हैं क्या किया हमने, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करने पे साइन मार्क्स हमारे सेम रहते हैं, तो हमने इसको और इसको ऐड किया, तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, बड़े वाला क्या है यहां 378, 378 का साइन माइनस, ये रहा 26, यहां पर करेंगे तो 226, यहां पर करेंगे 678, 226 226 दोनों में सेम था, कॉमन ले लिया, किसके साथ कॉमन लिया माइनस के को, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन की बार आ गया x प्लस y 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 226 से 678 3 टाइम चला गया, ठीक है तो ये आ गया, ठीक है एक बार क्या किया हमने कि प्लस। ओके बच्चा लोग अब क्या करना है, एक बार माइनस करना है, तो देखिए 152x 378x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, यहाँ पर क्या है प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604, ठीक है मैंने क्या बोला था एक बार माइनस करना है, अब यहाँ पर हम इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करते वक्त क्या करते हैं साइन सारे चेंज, प्लस वाली चीज माइनस की, ये तो ऑलरेडी माइनस का था तो ये क्या हो गया प्लस का, प्लस वाली चीज माइनस की, माइनस वाली चीज प्लस की, ठीक है 152 अब साइन ये लेंगे प्लस वाला, 152 प्लस 378 कंसंट्रेट इधर कीजिए, 152 प्लस 378 8 और 2 10, 7 और 5 13, 13 और 1 14, नहीं 7 और 5 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1 5 530, यहां पर भी माइनस माइनस प्लस 530, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, यहाँ पे x है और यहाँ पर y है, 604 ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस 74, 4 में से 4 0, 10 से 7 3, 530 कितना आ गया 530, कॉमन क्या है बच्चा दोनों सेम क्या है, जो सेम होता है वही कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 530 कॉमन, 530 कॉमन x माइनस y इक्वल टू 530, 530 से 530 गया x माइनस y क्या आ गया 1, ठीक है ये मैं बता रहा हूं इसलिए टाइम लगा, जब आप करोगे ना तो ऐसे ऐसे कर दोगे, ठीक है तो एक इक्वेशन ये बनी x प्लस y इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये बनी x माइनस y इक्वल टू 3, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई बड़ी साइंस लगेगी, सॉरी साइंस नहीं कोई बड़ी मैथ लगेगी क्या, बहुत सिंपल है, क्या करना है x प्लस y इक्वल टू 3, x माइनस y इक्वल टू 1, y से y गया 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, सिंपल खत्म, x से 2 पुट कर दीजिए इसमें y निकल जाएगी, जैसे 2 प्लस y इक्वल टू 3 यही तो है, यहाँ पे x से 2 रख दी तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 2 y इक्वल टू 1, खत्म, बिल्कुल सिंपल, इतने बड़े क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसके अंदर, इसको हमें वेरिएबल को मैंने सेम करने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती, हमारे दिमाग खुल जाते अच्छे से इसको करने में, लेकिन हमने क्या किया थोड़े तरीके से किया, एक बार दोनों को प्लस करना है एक बार दोनों को माइनस करना है, दो इक्वेशन बन के आएंगी और ये बच्चा बहुत सिंपल बन जाएंगे, सीबीएसई क्वेश्चन देगा अगर ऐसा तो क्वेश्चन तुमको ऐसा ही देगा कि इक्वेशन सिंपल बनकर आए, कोई दिक्कत ना हो बच्चों को करने में, सीबीएसई भी चाहता है कि बच्चे आप लोग पास हो जाए, तो ये दोनों इक्वेशन आएंगे दोनों को सॉल्व कर लेंगे सिंपल खत्म, एलिमिनेशन ये इंपॉर्टेंट केस भी हो गया हमारे एलिमिनेशन में। अब स्टार्ट होता है सब्स्टिट्यूशन, तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड आ रहा है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है किसी के अंदर सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करना, मतलब कहीं पे किसी चीज को पुट कर देना, ठीक फिफ्थ सिक्स नहीं नहीं तो इसी में सिक्स और ये क्या थी इक्वेशन, एलिमिनेशन भी कंप्लीट इंपॉर्टेंट केस भी कंप्लीट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन के अंदर आ रहा है वर्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बच्चा लोग कि हम किसी भी चीज के अंदर किसी को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर किसी को पुट कर दे रहे हैं, वो होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर कुछ और चीज पुट कर दे रहे हैं, उस वहां से उठा के इसके अंदर रख दिया, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक, समझते हैं? नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कर दे समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा x प्लस y इक्वल टू 8, 3x प्लस 8y इक्वल टू 9, ये इनके आंसर थोड़े अजीब से लेकिन खुद मन से ले लिए वैल्यूज, अटपटे से आएंगे कुछ आंसर। तो देखिए अब तक आप लोग करते थे एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन से क्या करते थे, किसी वैल्यू को सेम कर लेते। अगर आपको x को हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करते इसमें, और अगर y को हटाना है तो 8 का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पर 8 है ना। लेकिन अब हमें वो नहीं करना, अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट के अंदर सबसे पहले तो किसी एक इक्वेशन को डिसाइड कर लो सिंपल सी, जो आपको सिंपल लगे। दोनों कौन सिंपल है, फर्स्ट आपकी मर्जी है, दूसरी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिंपल होगी तो वहां से थोड़ा इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी एक वैल्यू की वैल्यू निकालो, किसी भी एक की जो आपकी मर्जी हो। जैसे हमने क्या किया, एक्स वैल्यू निकाली, एक्स वैल्यू क्या आएगी, वाई को उधर ट्रांसफर कर दिया, 8 माइनस वाई एक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस बात का खास कर ध्यान रखना बच्चों, जिसमें से वैल्यू को निकाला है, जिसमें से वैल्यू को निकाला है, सुनिए बात को अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। जिसमें से हमने जिस वैल्यूबल की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन में से हमने एक्स वैल्यू निकाली, इस वाली इक्वेशन को आप छोड़कर, मतलब छोड़ दो अभी, और इसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर से सुनिए क्या करना है, जिस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाली या फिर वाई की वैल्यू निकाली, उस इक्वेशन को छोड़कर नेक्स्ट वाली इक्वेशन में उस वैल्यू की जगह उस वैल्यू को रख दो। जैसे हमने यहाँ से एक्स वैल्यू निकाली थी, तो हमको करना है 3, एक्स ने क्या रखना, अब 8 माइनस वाई, 8 माइनस वाई प्लस 8 वाई इक्वल टू 9, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24 माइनस 3 वाई प्लस 8 वाई इक्वल टू 9, 24 ट्रांसफर, यहां से क्या है, माइनस 3 वाई प्लस 8 वाई 5 वाई, 9 माइनस 24 में से 9 के कितने बचे बच्चे लोग, 15, 5y इक्वल टू माइनस के 15, माइनस रह गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से 15 माइनस 3, समझ गए क्या हुआ, हमने एक ही इक्वेशन को एक वेरिएबल में चेंज कर लिया। सब्स्टिट्यूट करते क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में चेंज कर लेते। देखिए क्या हुआ था, सेकंड इक्वेशन में x और y थे, लेकिन लास्ट में क्या थे, y y बचे ना, तो इस इक्वेशन को हमने एक ही वेरिएबल के अंदर हमने चेंज कर लिया, खत्म, सिंपल। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल खत्म। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले किसी एक इक्वेशन डिसाइड कर लो जो आपको सिंपल लगे, उसको वहां से किसी वैल्यू वैल्यू निकालो, उसको सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। वाई की वैल्यू माइनस जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दो, एक्स की वैल्यू क्या आती, 8 माइनस वाई एक्स इक्वल टू 8 माइनस माइनस 3, एक्स इक्वल टू 8 प्लस 3, एक्स इक्वल टू 8 और 3 11, खत्म, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। अब क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से दोनों से, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट 3.3 का फर्स्ट का फर्स्ट तो काफी सिंपल, उसे अपने आप से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, लग जा भाई। सेकेंड क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन मिल गया, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने आप करने की कोशिश कीजिए, अपने आप करोगे तो काफी बेनिफिट रहेगा तुम लोगों के लिए, अपने आप कर लीजिए, नहीं आएगा फिर तो वीडियो आगे बढ़ा ही देना, कोई दिक्कत नहीं है, रोक दीजिए कीजिए, हो गया नहीं हुआ हम करा देंगे, हो गया हो तो आंसर मैच कर लीजिए। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो इक्वेशन ये रही कि सेकंड वाली इक्वेशन में एलसीएम ले लें, क्योंकि हमने इक्वेशन अभी तक ऐसी देखी है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मतलब कि हमने इक्वेशन ऐसी देखी है इसके अंदर डिनोमिनेटर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे, और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, थोड़ा इजी सी इक्वेशन हो तो जाएगा, यहाँ से हम 3 का डिवाइड कर दे दोनों में हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर दे दोनों में हो जाएगा, लेकिन हम उसको हटा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेंगे नेक्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन का, एलसीएम 3 और 2 का 6 आ गया, ठीक है, ऊपर जाएगा यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, 2s
प्लस थ्री टी इक्वल टू सिक्स सिक्स 36। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, इसमें क्या करते हैं हम टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू का थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा थ्री एस माइनस थ्री टी इक्वल टू नाइन। एड की दोनों को थ्री टी कैंसिल आउट, टू एस थ्री एस फाइव एस 36 और 9 45, एस की वैल्यू कितनी आ गई 9, खत्म। बिल्कुल एस की वैल्यू पुट करिए 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये हमने किसे की थी एलिमिनेशन से। ओके अब इसी में क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा डिस्टरबेंस होने वाला है, थोड़ा कैमरा हिल गया था उसको सही कर लेते। चलिए इसी के अंदर क्या किया था हमने, एक बार हमने बताया नीचे वाले से, हमने बोला था कि इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, तो क्या किया हमने इस वाली इक्वेशन में टू का डिवाइड कर दिया, इस वाली इक्वेशन में क्या किया हमने टू का डिवाइड कर दिया, वन अपॉइंट टू का, मतलब वन अपॉइंट टू से इसके अंदर डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा डिवाइड पूरी इक्वेशन होगा, तो एस माइनस टी अपॉइंट टू इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू, ये तो होगा कोई डिवाइड होगा तो पूरे में डिवाइड होगा, एक एक डिवाइड नहीं होगा। ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ से ये अलग अलग कर लिया, एस अपॉइंट टू माइनस टी अपॉइंट टू, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करती मैंने, बहुत सिंपल सी बात है, इक्वल टू थ्री अपॉन टू। ठीक ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन क्या है एस अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इक्वल टू सिक्स, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया तो ये प्लस माइनस के कैंसिल आउट, एस अपॉन टू प्लस एस अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री अपॉन टू प्लस सिक्स, एलसीएम लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या है एलसीएम थ्री और टू का सिक्स, नहीं डायरेक्ट ऐड कर लीजिए ना, चलिए थ्री एस प्लस टू एस अपॉन सिक्स इक्वल टू थ्री प्लस ट्वेल्व अपॉन टू, टू एस प्लस थ्री एस फाइव एस अपॉन सिक्स, क्या आ गया फाइव एस अपॉन सिक्स इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन टू, फाइव से ये गया थ्री टाइम, टू से ये गया टू टाइम, वो थ्री टाइम, एस इक्वल टू क्या आ गया थ्री को भेज दिया हमने, एस इक्वल टू थ्री इंटू थ्री एस इक्वल टू नाइन, आंसर दोनों जगह से सेम, एस की वैल्यू यहाँ पर भी नाइन आई, एस की वैल्यू यहाँ पर भी नाइन आई, क्या किया हमने एक बार क्या किया हमने यहाँ से ये ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेके सॉल्व कर ली, एक बार क्या किया हमने ऊपर वाले ने डिवाइड कर दिया, डिवाइड लेके भी सॉल्व हो गई, कोई इशू नहीं आया इसमें, एस की वैल्यू दोनों नाइन नाइन आ रही है। ठीक है आप टी की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं इसीलिए यहाँ से आगे, अब क्या करते हैं एलिमिनेशन हो गया, अब क्या करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, तो मेथड तो सीखिए एलिमिनेशन में एलिमिनेट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट तो अपने आप कर लो अब वो तो हो जाएगा, देखिए चलिए नहीं करना मत करो तुम्हारे लिए दिक्कत है, करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, एस माइनस टी इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से क्या किया दोनों सिंपल इक्वेशन कौन सी की वाली, तो एस की वैल्यू निकाल ली, एस की वैल्यू क्या आ गई थ्री प्लस टी, हम क्यों करें भाई हमारे पास तो वीडियो हम 10 सेकंड आगे कर लेंगे वहां से देख लेंगे आंसर, हमको करना होता कर ही लेते इतने बोलने पर, तो एस की वैल्यू आ गई थ्री प्लस टी, अब क्या करना है इसको इस इक्वेशन में से छोड़ के सेकंड वाले पुट कर दीजिए, तो एस की वैल्यू क्या आ गई थ्री प्लस टी अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इक्वल टू सिक्स। ओके वेरिएबल सेम हो गया दोनों में, अब क्या करना है एलसीएम ले लो, थ्री और टू का एलसीएम सिक्स इक्वल टू सिक्स, यहां से क्या आएगा टू का मल्टीप्लाई थ्री प्लस टी, यहां से थ्री का मल्टीप्लाई टी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री जा सिक्स, टू टी प्लस थ्री टी अपॉन सिक्स इक्वल टू सिक्स, ये सिक्स है सिक्स को सिक्स से ज़्यादा भेज दिया कितना आ गया थर्टी सिक्स, सिक्स प्लस टू टी थ्री टी फाइव टी इक्वल टू थर्टी सिक्स, सिक्स को ज़्यादा भेज दिया फाइव टी इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस सिक्स फाइव टी इक्वल टू थर्टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स, टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए एस इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स एस इक्वल टू नाइन, ये आंसर तो आ रहा था, जरूरी नहीं है कि हम टी की वैल्यू को यहीं पुट करें, हम टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट नहीं, नहीं यहाँ तो ये कहाँ पर एक नई क्वेश्चन बन के आई थी कहीं से, हाँ ये इन तीनों में पुट कर सकते हैं, जो एस और टी के टर्म में इक्वेशन होंगे वहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दी एस की वैल्यू निकल आएगी, ये सिंपल हो गया खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अब तो हो गया सिंपल। ठीक है अब क्या करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो एंड रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, इसको तो अपने आप करना पड़ेगा बच्चों, तुमको कसम है सीबीएसई के पेपर की, तुमको अपने आप करना है क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करना, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम कराएंगे, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा अपने आप। वीडियो को रोकिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, लग जाइए, एक बार एलिमिनेशन से, एक बार सब्स्टिट्यूशन से, जो अच्छा लगे, जो मेथड तुमको अच्छा लग रहा है उस मेथड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब एलिमिनेशन से करते हैं। एलिमिनेशन से क्या करना होता है, हमको वेरिएबल बराबर करने होते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं तुमको बता दूं, जरा ट्रिक एक टाइप की, हमको कैसे पता चलता है कब में किस पे क्या मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमारा लिखा है 3x प्लस 8y इक्वल टू, अगर पता चल जाए तो वहां पर तो अच्छी बात है, जहां नहीं पता चल रहा है वहां क्या करना है। और यहाँ पर लिखा है हमारा 17x प्लस 39y इक्वल टू 8, तो जो वेरिएबल हमको बराबर करना है, पता चल जाए तो अच्छी बात है, पता ना चल रहा हो कि हमको क्या बराबर करना है फिर बता रहा हूँ। जो वेरिएबल बराबर करना है, जैसे यहाँ पर हमको x को बराबर करना है, तो यहाँ पर जो x के आगे उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक, और जो यहाँ पर x के आगे उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, सिंपल हो जाएगा। जैसे 17 3 जा 51 51x, ठीक, और यहाँ पे 3 7 जा 21 3 1 जा 3 और 2 5 51x, हो गया बराबर, खत्म। फिर से सुन लीजिए, नहीं समझ में आया तो, जो जैसे नई इक्वेशन देते हैं 3x प्लस 8y इक्वल टू 10 और नई इक्वेशन दी हमने 151x प्लस 30008y इक्वल टू 1 मिलियन, यहाँ पे मिलियन है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बड़ी इक्वेशन आया है। हमको क्या करना है, इस वेरिएबल को बराबर करना है, अगर हमको x वाली वेरिएबल बराबर करना है, जो वेरिएबल बराबर करनी है, जो वेरिएबल आपको इक्वल करना चाहते हो, जिस वेरिएबल को काटना चाहते हो, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो इसका क्या है 3, तो 3 का नीचे वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या 151, तो 151 का ऊपर वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 15 5 3 3 4 453x, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 3 5 15 3 3 4 453x बराबर हो गया, माइनस कर दो कट जाएगी, सिंपल खत्म, ठीक है। जब पता ना चले तब की बता रहा हूँ, जब पता चल जाए तब तो कर लो, सिंपल है, सिंपल हो जाता है, पता चल जाता है, मैक्सिमम कैसे पता चले, जब थोड़ा सा नहीं पता चलता है तब की बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें नहीं समझ में आ रहा हम किसका मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये बराबर हो जाए, तो क्या करना, अगर हम x को हटाना चाहते हो तो x वाले मल्टीप्लाई कर दो, y को हटाना चाहते हो तो y वाले मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे मैं x को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे x है क्या रूट थ्री, तो मैंने रूट थ्री का यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे x है क्या रूट टू, तो रूट टू का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो इंटू रूट थ्री जीरो, ठीक है। तो क्या आएगा रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स एक्स, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री वाई इक्वल टू जीरो, ओके। इधर क्या आएगा रूट थ्री इंटू रूट टू, नेक्स्ट इक्वेशन वाले ले रहे हैं तो इसमें क्या लगे रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स माइनस, अरे ये रूट टू है एक्स माइनस रूट एट इंटू रूट टू वाई इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स, नीचे लिख दिया हमने रूट सिक्स एक्स, रूट एट इंटू रूट टू रूट एट इंटू टू आ गया रूट सिक्सटीन, सिक्सटीन से बाहर क्या आएगा फोर, ठीक है। एट इंटू टू एट इंटू टू एक साथ हो गया रूट एक पे आ गया सिक्सटीन, सिक्सटीन से बाहर फोर, तो क्या कर दिया हमने यहाँ पर साइन माइनस का फोर वाई रूट टू इंटू जीरो जीरो, ठीक है। हटाना क्या था, ये तो हटाना था, तो क्या करना पड़ेगा साइन सेम है, साइन सेम होते क्या करना पड़ता है माइनस, साइन डिफरेंट हो जाए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये गई थ्री प्लस फोर सेवन वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, सेवन को नीचे भेज दो डिवाइड कर लो जीरो ही आएगा, ठीक है खत्म, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद जो वाई के लगे जीरो उसे कहीं भी पुट कर दो, एक्स भी निकाल दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, जितनी भी इक्वेशन बनी कहीं भी पुट कर लो हो जाएगा, सिंपल है, ओके। चलो नोट कर लीजिए या फिर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म, हटा दें। किसी भी वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट कर देना टाइम के साथ, कहाँ पर डाउट है आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन भी हो गया कंप्लीट हमारा, सब्स्टिट्यूशन के बाद आता है कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस, ठीक है, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस, इसको करने से पहले हम आपको
ये बता देते हैं ग्राफिकल कंट्रोल। चलिए देखिए ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होता है, देखिए पहले आप बताइए देता है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बताते हैं पहले लाइन ही चलते हैं, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस। तो देखिए कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस का मतलब ऐसी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंस का मतलब क्या ऐसी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन हो, एक हो दो हो तीन हो चार हो अरबों खरबों करोड़ बिलियन बिलियन ट्रिलियन जितने भी हो लेकिन सॉल्यूशन हो, ठीक है। कंसिस्टेंस का मतलब सॉल्यूशन हो, एक दो तीन चार पांच छह कितने भी, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन ना हो। पहली बात तो ये क्लियर, कंसिस्टेंस का मतलब होता है सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंस मतलब नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, जो हम वेरिएबल जो हम इक्वेशन निकाल रहे थे उनके अंदर एक्स और वाई वैल्यू उसी सॉल्यूशन बोलते हैं। इनकंसिस्टेंस मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन करते करते आपको एक बात बताते हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन। कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, कुछ ऑब्वियसली बात है ऐसी भी इक्वेशन होंगी जिनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो जिन इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन, कोई चीज एक होती है वो क्या होती है यूनिक, यूनिक ही होती है, सन यूनिक है क्योंकि वो एक है। तो यूनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर मतलब वन सॉल्यूशन हो, एक्स और वाई की सिर्फ एक ही एक घटन कर जा रही हो, ठीक है। एक्स वैल्यू एट आ जाए लेकिन एक हो, एक्स वैल्यू टू आ जाए लेकिन एक हो, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के बाद आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन हो। एक का आता है नो सॉल्यूशन, जिसके अंदर एक भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इसमें बताओ कंसिस्टेंस कौन कौन से होंगे, कंसिस्टेंट वो जितने सॉल्यूशन होते हैं, तो यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है कंसिस्टेंस के अंदर, मतलब किसी भी क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो वो आएंगे हमारे कंसिस्टेंस के अंदर। ये दोनों हमारे किसमें है कंसिस्टेंस के अंदर, और ये नो सॉल्यूशन वाला हमारा किसमें है इनकंसिस्टेंस के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। तो हमको पता कैसे चलेगा भाई कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंस है कौन सी नॉन कंसिस्टेंस है, मतलब इनकंसिस्टेंस है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी करके देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन आती है सबको सॉल्व करेंगे क्या, नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे हमारी कोई दो इक्वेशन है, पहले बता रहा हूं आपको यूनिक के लिए, यूनिक ठीक है। कोई भी दो इक्वेशन है, इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सेकेंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी टू यहाँ पे सी वन यहाँ पे सी टू, ओके ठीक है। इसके अंदर क्या करना होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है एक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन के अंदर हमें इनके जो कोफिशियंट्स हैं उनको बराबर करना होता है। वीडियो को चेक करते रहना पड़ता है कहीं बंद तो नहीं होगी बीच में चलते चलते स्टोरेज फुल हो जाए। तो देखिए यूनिक के अंदर क्या होता है, इनके जो कोफिशियंट के जो ये है वो सभी वेरिएबल के जो कोफिशियंट है इनको हमें रेशियो को चेक करना होता है। जैसे ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू हो जाए बी वन अपॉन बी टू, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं हो तो इक्वेशन यूनिक है, मतलब उन दोनों का सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। सेकेंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के अंदर क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल होगा बी वन अपॉन बी टू इक्वल होगा सी वन अपॉन सी टू, मतलब तीनों का रेशियो बराबर आएगा। बराबर आएगा तो कौन सी इक्वेशन होंगी, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे इनको सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं। थर्ड क्या आती है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ऐसा होगा तो इक्वेशन के अंदर हमारे नो सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी तो चाहिए भैया, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशन क्या है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे हमारा इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस एट वाई इक्वल टू टेन एंड फोर एक्स प्लस नाइनटीन वाई इक्वल टू टेन, ठीक है। इसके अंदर चेक कर दे ए वन अपॉन ए टू, ए वन थ्री ए टू फोर, थ्री अपॉन फोर और b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाला तो 8 अपॉन 19, तो ये क्या ये बराबर है, ऐसे 3 अपॉन 4 है यहाँ से 8 अपॉन 19 नहीं है बराबर, जब ये बराबर नहीं है तो क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
यूनियन सॉल्यूशन क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू का रेशियो निकालो तो वो बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक, ये यूनियन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से क्या आंसर निकाला हमने, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y। ये हाँ एक बात और बता दूं बच्चों, एक बात और याद रखना, जब ये कंडीशन के अंदर हम ये जब ये चेक करते हैं कौन सी कंजिस्टेंस है कौन सी नॉन इनकंजिस्टेंस है, फिर से सुन लो, जब हम चेक करते हैं कौन सी कंजिस्टेंस है कौन सी इनकंजिस्टेंस है, तो एक बात याद रखना कॉन्स्टेंट जो होती है वो सभी LHS में हो। जैसे हमने यहाँ पे 10 ले लिया तो ये 10 इधर ना हो, इधर ही हो। ठीक है, होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इधर ही हो, ये हमारा जनरल फॉर्म है। माइनस माइनस कट जाता कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा ये इधर ही हो। ठीक है, कोई कोई टीचर होते हैं थोड़ा सा मतलब काट देते हैं नंबर, हमको नंबर नहीं काटने, हमको क्या रखना है 80 on 80 रखने हैं, इस बार तो 40 आएंगे तो 40 on 40 रखने हैं। ठीक है, तो क्या रखना है कॉन्स्टेंट टर्म को LHS में लेके आना, मतलब सारे टर्म्स को LHS में हो, LHS हमारा सिर्फ एक जीरो। ठीक है, अब जैसे आते हैं इक्वेशन 4x प्लस 8y प्लस 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 4x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इक्वेशन ले लिया हमने 8x प्लस 16y प्लस 32 इक्वल टू जीरो। तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2 नहीं तो आएगा 4 यहाँ से लिया 8 यहाँ से लिया 4 अपॉन 8 डिवाइड कर दिया 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे क्या आएगा, 8 अपॉन 16 डिवाइड किया क्या आ गया 1 अपॉन 2, 8 से 16 2 आ गया ना। फिर हमने लिया c1 अपॉन c2 लिया तो 16 अपॉन 32 ये डिवाइड किया तो आ गया 1 अपॉन 2 आ गया। तीनों का रेशियो बराबर है, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2, तीनों का रेशियो बराबर। तीनों रेशियो बराबर मतलब कौन सी कंडीशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनके बहुत 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 सारे सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब आते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन के अंदर। नो सॉल्यूशन कंडीशन में हम क्वेश्चन आता है जैसे कि 4x प्लस 8y इक्वल टू 32 मतलब माइनस 32 इक्वल टू जीरो। दूसरा आ गया 8x प्लस 16y प्लस 51 ले लो, माइनस 51 ले लो, तो इन दोनों का रेशियो तो बराबर आएगा लेकिन इनका नहीं आएगा। ठीक है, चलो जैसे अगर हम इनका रेशियो निकालते भी हैं तो देखिए क्या, 4 अपॉन 8 का 1 अपॉन 2, 8 अपॉन 16 का 1 अपॉन 2, 32 अपॉन 51 का माइनस 32 माइनस 51 माइनस कट गया। तो देखिए ये और ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, बराबर नहीं आया तो क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन। ओके, हो गया, ये वाली कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस की भी हो गई। तो यही होती है और कुछ नहीं होता, ज्यादा कोई बड़ा नहीं आता। ये वाली कंडीशन याद होनी चाहिए, इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं, ये कंडीशन याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आप जो आते हैं वो हम करेंगे आपको भी। देखिए क्वेश्चन है हमारा 15 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, k माइनस 1 एक्स प्लस k प्लस 2y इक्वल टू 3k। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, चेक करने के लिए आते हैं कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस बताइए, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि k की वैल्यू निकालिए। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, सभी रेशियोज को बराबर कर दीजिए, a1 अपॉन a2 पहले तो कंडीशन याद कीजिए, इनफाइनाइटली क्या होती है, तीनों रेशियो बराबर होंगे, इनफाइनाइट कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही तो कंडीशन होती है। तो क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 2 अपॉन k माइनस 1, क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया कि हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोल दिया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक, a1 अपॉन a2 2 अपॉन k माइनस 1, b1 अपॉन b2 क्या होगा 3 अपॉन k प्लस 2, c1 अपॉन c2 क्या होगा 7 अपॉन 3k। इनको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्या आएगा माइनस 7 और इधर से माइनस 3k, तो माइनस 7 अपॉन माइनस 3k, तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, ये 3 है। ओके, अब क्या करना है, तीनों कंडीशंस को बराबर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू 7 अपॉन 3k। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये तीनों आपस में बराबर है, ये आपस में इक्वल, तो क्या करना है, इन दो को एक साथ ले लो या फिर इन दो को एक साथ ले लो, जैसे ये दो आपस में बराबर है तो हमने ये ऐसे ले लिया 2 अपॉन
के माइनस वन इक्वल टू थ्री अपॉन के प्लस टू, इसको ट्रांसफर करो, इसको ट्रांसफर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू के प्लस फोर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया थ्री के माइनस थ्री। अब क्या करना है, थ्री को उधर ले आओ, टू को उधर ले आओ, तो फोर प्लस थ्री, थ्री इधर माइनस का था, प्लस का थ्री हो गया, थ्री के माइनस टू के, तो फोर प्लस थ्री सेवन, थ्री के माइनस टू के की वैल्यू आ गई सेवन। सिंपल, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही मार्क्स क्वेश्चन उनको मार्क्स दिलवाएंगे, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तुमने तो अब तक कर भी दिए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन और मिल जाएंगे बुक में, बहुत सारे भरमार इन क्वेश्चन की, यही देती है सीबीएसई हर बार, बुक्स वाले क्या करें, यही तो देंगे जो सीबीएसई में आता तभी तो देंगे, वही तो देंगे, तो ये क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन हर एक बुक में मिल जाएंगे। हाँ, ये कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस भी हो गया, ये हो गया, चलिए इसके अंदर एक क्वेश्चन बना देते हैं, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन का, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन के अंदर क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 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 कहाँ है, यूनिक का मिला है, यूनिक का कंडीशन क्या है, के की वैल्यू बताइए जिसके लिए सिस्टम हमारा यूनिक होगा, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, के एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है, के की वैल्यू निकालिए, बताइए कैसे निकालेंगे, देखिए ए वन अपॉन ए टू, टू अपॉन के, और बी वन अपॉन बी टू, थ्री अपॉन माइनस सिक्स, इसको करेंगे तो माइनस वन अपॉन टू। यूनिक की कंडीशन क्या होती थी, यूनिक की कंडीशन ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो भैया यहाँ पे तो इक्वल ही नहीं है, वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने तो बोल दिया निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए ए वन अपॉन ए टू रख दीजिए, टू अपॉन के नॉट इक्वल, ये के है नॉट इक्वल टू किसके, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू के इक्वल नहीं है, तो जरा करते हैं, मतलब इसको अभी इक्वल थोड़ा समझ लो, मतलब इक्वल नहीं है इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, इसको ऐसे ही रख के सॉल्व करते हैं, मार्क करके, ठीक है, देख क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड आएगा माइनस के, ठीक है, और एक साइड आएगा माइनस फोर के, देखते हैं, देखिए इसको हमने इधर भेजा तो टू इंटू टू फोर नॉट इक्वल टू माइनस के, माइनस को इधर भेज दो, के इक्वल टू माइनस फोर, मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस माइनस फोर नहीं होगी। फिर से सुनिए क्या क्या हमने सॉल्व किया, वही कंडीशन रही जो होती है, सबको वैसे किया, इसको इक्वल इधर ट्रीट किया, लेकिन इक्वल नहीं माना, बस नॉट इक्वल का साइन लगा रखा है हमने, ठीक है, तो के इधर गया माइनस के हो गया, फोर इधर गया वो टू इधर गया फोर हो गया, ठीक है, हमने क्या किया माइनस को इस साइड भेज दिया था, तो ये माइनस का फोर हो गया, के इस साइड का, इसको ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, बात एक ही है, तो हमारे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन अंदर, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस माइनस फोर नहीं होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन अंदर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के कैन हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट माइनस फोर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अगर फिर भी हो इशू तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए दिया गया है, ठीक है। अब आती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन जैसे है हमारा, नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन इसमें नहीं है, देखिए क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, के एक्स प्लस 10y इक्वल टू 15, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसके नो सॉल्यूशन है, मतलब इसके सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके अंदर जो k है उसकी वैल्यू को फाइंड कीजिए, तो नो सॉल्यूशन देखते ही सबसे पहले तो k इसकी कंडीशन याद आनी चाहिए भैया, कंडीशन याद होगी तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, सीधी बात है, मेन चीज रूट पता होगी तभी तो ऊपर टॉप तक पहुंच पाएंगे, तो इसकी रूट क्या है, कंडीशन, तो रूट क्या है इसकी, ए वन अपॉन ए टू, बोली साथ में ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ना 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 ध्यान नहीं है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, नो सॉल्यूशन, ये क्या कंडीशन है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इसको गांठ मार लीजिए, ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन तो इन्हीं से निकल जाते हैं। अब देखिए क्या करना है, ए वन की वैल्यू 8 अपॉन के, बी वन की वैल्यू 5 अपॉन 10 नॉट इक्वल टू, इनको उधर ले आएंगे तो माइनस 9 माइनस 15, माइनस 9 अपॉन माइनस 15, माइनस माइनस गया, ये गया 3 से 3 बार, ये गया 5 बार, ठीक है, ये 3 है, डिजाइनिंग है 3, यहां से क्या गया 8 अपॉन के इक्वल टू 1 अपॉन 2
नॉट इक्वल टू 3/5। देखिए ये 3/5 इसके बराबर है, नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि ये दो आपस में बराबर है, ये दो आपस में इक्वल, तो क्या इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 इधर गया, 3 इधर गया, 8 इंटू 2 इक्वल टू के, के की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये रही। इसका था के की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी, ये लीजिए ये भी हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ऐसे प्यार से कवर कर लेंगे, बस साथ में बने रहिए, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या इक्वेशंस ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म्स ये कराते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, इस क्वेश्चन को भी कराएंगे आराम से प्यार से। क्वेश्चन लेके आते हैं पहले आपके लिए। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है रिड्यूसिबल फॉर्म का, मतलब इसको रिड्यूस करना है, 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मोस्टली सीबीएसई यही क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम बताएंगे क्या करना है आपको, तो बस देखना है इसमें। देखिए 2/x + 3/y, हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए उसके अंदर कैसी इक्वेशन सॉल्व की जिसमें x ऊपर हो y ऊपर हो, इसमें मतलब वेरिएबल ऊपर की साइड हो नीचे की साइड नहीं, ठीक है। तो इसमें भी हमें इनको ऊपर लेके जाना है, ऊपर कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, फिर नीचे एलसीएम में एक्स वाई आएगा वो इधर चला जाएगा, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसे कैसे डील करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इनको एक नए फॉर्म में चेंज करना होता है, वो नए तरीके का निर्माण हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। ये माइनस टू है, तो क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, अगर यहीं पे क्लियर हुए तो हर क्वेश्चन कर लोगे, नहीं क्लियर हुआ तो हर क्वेश्चन में अटकोगे फिर। तो क्या करना होता है, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में देखो कॉमन क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में देखो जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो अगर दोनों में सेम हो, जो चीज सेम हो, तो देखेंगे ना तो 2/x और 5/x में क्या कॉमन है। 2/x को 2 × 1/x लिख सकते हैं और 5/x को 5 × 1/x लिख सकते हैं, कॉमन क्या दोनों में 1/x, ठीक है ओके। सेम इसमें देखो 3/y, 3/y को क्या लिख सकते हैं 3 × 1/y और 4/y को क्या लिख सकते हैं 4 × 1/y। बच्चा लोग ध्यान दे लीजिए, तो जो कॉमन होता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे 1/x 1/x कॉमन है तो इसको ले लो u, let 1/x इक्वल टू u आपका मन हो तो s ले लो, आपका मन हो t ले लो, आपका मतलब मन हो तो p ले लो, बट ले लो, लोगे नहीं तो फिर ये क्वेश्चन होगा नहीं, लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा 1/y, अब दोनों 1/y कौन, तो 1/y को क्या ले लो, v ले लो, s के साथ t ले लो, s ले लो, q ले लो, ठीक है q ले लो, और x और y तो नहीं ले सकते क्योंकि x और y के फॉर्म में पहले से है। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होता है, जो कॉमन होता है उसको हमें लेट करना होता है अपनी साइड से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 1/y इक्वल टू t, हम क्या करते हैं p और q लेते, चलिए q ले लिया p और q, ठीक। अब क्या करना है, 2 × 1/x, ये 1/x है तो 2 × 1/x के क्या रख दिया हमने p, 2p, 3 × 1/y के कर दिया q, +3q, 13 है इसमें तो कुछ लिया ही नहीं हमने, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। सेम काम सेकंड इक्वेशन करेंगे, 5 × 1/x p, 5p, ये 5s थोड़ा स्टाइलिश है ये, 5p, 4/y के साथ क्या लेंगे, -4, 1/y को क्या लिया q, तो क्या हो गया -4q = -2, हो गई इक्वेशन, बन गई। अब इसके बाद आप चाहो तो एलिमिनेशन लगाओ, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता हो तो वो लगा लो, इसके अलावा और कोई मेथड, कोई और नया मेथड आपको पता हो जो हम किसी को नहीं पता वो पता हो तो वो लगा लो, बस p और q की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। हम लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन, क्योंकि भैया हमको आता है वही, सबसे सिंपल है, सबसे सटीक है, सब्स्टिट्यूशन लेंथी हो जाता है वो भी सिंपल है, एलिमिनेशन लगाते हैं। तो देखिए क्या करना है, सब कुछ अलग अलग, मैं p को बराबर करना चाहता हूँ, किसको बराबर करना चाहता हूँ, नहीं मैं q को बराबर करूंगा क्योंकि भाई प्लस माइनस है, सेम साइन है, कट जाएगा, डायरेक्ट माइनस जरूरत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या है, प्लस और माइनस है तो सेम साइन डायरेक्ट कट जाएगा,
है ना। तो क्या करते हैं हम इसमें ऊपर वाले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जो नीचे है 4, नीचे वाले क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर है, ठीक है, जहां पे नहीं पता चले वहां के लिए बताया ये मैंने, ठीक है। क्या करते हैं इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो 2 4 मल्टीप्लाई किया इसमें क्या 8b 4 का मल्टीप्लाई किया प्लस के 12q 13 हो जा 30 हो जा 30 54 52 करके देख लेते हैं भाई गलत हो जाए 4 3 12 4 4 52 ठीक है 52 ओके 3 × 5 15p 3 × 4 -12q 3 × 2 -6 ठीक प्लस माइनस सेम साइन मैग्नीट्यूड भी सेम क्या करेंगे प्लस करेंगे ऐड करेंगे जब सेम मैग्नीट्यूड होता है क्या करते हैं ऐड करते हैं जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है तो हमको उनको कैंसिल करने के लिए क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है तो यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड क्या कर दिया ऐड गया 8p एंड 15p कितने हुए 23p 52 में से 6 गए कितना है 52 में से 6 गए तो 44 46 पी के कितने आ गए 46/23 = 2 प्लस माइनस सब कुछ सही है ठीक है पी के कितने आ गए 2 क्यू की वैल्यू कैसे आएगी इसी में कहीं पुट कर दो क्यू की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे पुट कर दो तो किसे पी की वैल्यू आएगी हाँ यहाँ पे पुट कर दो क्यू की वैल्यू निकल आएगी ठीक है अच्छा हो गया क्वेश्चन हो गया क्या ये क्या पूछा था उसने सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई निकली वैल्यू किसकी पी की और क्यू की निकली निकालना क्या एक्स और वाई अभी नहीं हुआ अभी आधा क्वेश्चन हुआ नहीं आधा मतलब एक दो स्टेप रह गए बस मैक्सिमम 75% क्वेश्चन हो चुका थोड़ा सा रह गया ठीक है एक्स और वाई वैल्यू निकालनी थी इसको रफ कर दे हटा दे नहीं नोट किया तो नोट कर लेना नोट ठीक नोट करना जरूरी है भाई रिवीजन कैसे करोगे ठीक अब क्या था पी की वैल्यू 2 आ गई ठीक हमने क्या किया था 1/x को हमने पी लिया था तो 1/x को क्या लिखेंगे हम पी की वैल्यू 2 को इधर ट्रांसफर करो एक्स को इधर ट्रांसफर करो तो 1/2 = x हो गया अब ये पूरा हुआ है ठीक है ऐसे क्यू की वैल्यू आई होगी कुछ क्यू को ऐसे रखना 1/y जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए आपकी बोन्स की तरह ठीक है और बोन्स कैसे स्ट्रांग होती हैं डेली मिल्क पीने से अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने से जैसे कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रांग होगा डेली क्वेश्चन लगाने से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा जरूरी नहीं है हर दिन नए क्वेश्चन लगाओ उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए कोई दिक्कत नहीं आती है एट ठीक है इसी का क्वेश्चन आता है नेक्स्ट ये रहा 5/(x-1) + 1/(y-2) = 2 and 6/(x-1) - 3/(y-2) = 1 ठीक है सेम मेथड सेम क्वेश्चन सब कुछ सेम कर डालिए अपने आप अब नहीं रुकना है अब तो फोड़ देना है बोर्ड को भी और उस क्वेश्चन को भी सबको ये बोर्ड नहीं सीबीएसई बोर्ड ठीक है ये क्वेश्चन भी कर देना है सब कुछ कर देना है रुक के कर लीजिए नहीं आएगा फिर हम है यहाँ पर वीडियो भी है फोन भी है डाटा भी सब कुछ है चलिए कराते आगे आंसर मैच करिएगा ठीक कर लो कर लिया होगा पर तो सबने बच्चे अच्छे हैं ठीक है आप देखिए 5/(x-1) + 6/(x-1) कॉमन क्या है 5 × 1/(x-1) यही तो कॉमन है दोनों में x-1 कॉमन है तो क्या हो गया 1/(x-1) इधर से आ गया 6 × 1/(x-1) तो लेट 1/(x-1) = u इस बार हमने नया वेरिएबल ले लिया वेरिएशन करते रहेंगे 1/(y-2) और यहाँ पर क्या है 3/(y-2) तो 3/(y-2) में क्या है 3 × 1/(y-2) तो दोनों कॉमन क्या है 1/(y-2) ठीक है जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं तो यहाँ पे क्या किया 1/(y-2) = v ये मेरा u है और वो v है ठीक है u ऐसा होता है और वो v है ठीक है डिफरेंस पता चल गया और देखिए इसको क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं अपने फॉर्म में तो 5 × 1/(x-1) = u क्या गया 5u + v = 2 यहाँ पे क्या गया 6u - 3v = 1 ठीक है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब क्या दोनों को सेम करना है v को सेम कर लेता हूं तो अभी माइनस का साइन आ रहा है इजीली कट जाएंगे क्या किया ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दिया 3 मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 5 3 15 u
प्लस 3v इक्वल टू 6, नीचे 6v नहीं सॉरी 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। क्या करेंगे इसके बाद? डायरेक्ट कटिंग, ये बंदे कट जाएंगे, मतलब ये कट जाएंगे 15 और 6 21v इक्वल टू 6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 7, 6 प्लस 1 7 6 प्लस 1 7। तो कहीं भी अगर वीडियो बनता किसी के अंदर क्वेश्चन अगर मैंने कहीं गलती कर दी तो कमेंट करके बता देना, हो जाती है गलती, ऐसी कोई बात नहीं है। 7 अपॉन 21 वी इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 3। ये वैल्यू किसकी आई? v की। यू की ऐसे निकलेगी, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें इसमें वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट, वेर एवर यू वॉन्ट नहीं, जहाँ पे सेटिस्फाई होगी वहां पे तुम्हारी मर्जी से नहीं पुट होगा, यहाँ पे पुट हो जाएगी, 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 ठीक है। ये और ये तो सेम ही है, ठीक है। v की वैल्यू 1/3 आ गई। अब क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी थी? x और y की। इसको हटा दे, हटा देते हैं ऐसे ही। u की वैल्यू निकाल लेना, उसको भी कर लेना। अब देखो क्या आया था, ये पार्ट देख लीजिए। v किसके अलावा 1/3 के, v हमने क्या लिया था 1/x-1 नहीं 1/y-2, 1/y-2 किसी लिया था हमने v के बराबर, 1/y-2 की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर आ गया इक्वल टू y-2, 2 को इधर भेजा, 3 माइनस का प्लस हो गया, 3+2 इक्वल टू y, y की वैल्यू 5, खत्म। अब तो हो गए टॉपिक कंप्लीट, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कोई भी क्वेश्चन आया उसे आप कर लोगे। इक्वेशन ऑफ रिड्यूसर फॉर्म ये भी हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लें। डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ठीक है, देखना आपको काम है, आप करके देख लेना। जैसे कि एक्सरसाइज 3.6, 3.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ, देखिए फिफ्थ इंपोर्टेंट है, देखिए 7x-2y = 5 / xy, ठीक, अपॉन में xy आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन और है, 8x-7y / xy = 15, ठीक है। तो वही जनरल मेथड हमको जो पता है वो करेंगे, सबसे पहले इसको इधर ले जाएंगे 7x, देख लीजिए बच्चों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब मजाक मस्ती नहीं, 7x-2y, xy उधर भेजा क्या आ गया 5xy, ठीक, इधर आ गया 8x-7y, xy को उधर भेजा 15xy, ओके। अब क्या करना होता है, इक्वेशन कैसे होती है हमारी, ax + by = c, c कैसा होता है कांस्टेंट, यहां पर c कैसा है xy वेरिएबल आ गए, इसे कांस्टेंट बनाना है हमको, क्या करना है इसे कांस्टेंट बनाना है, कांस्टेंट कैसे बनेगा, xy हट जाए यहां से, xy कैसे हटेंगे, xy का डिवाइड, हाँ xy का डिवाइड करेंगे। देखिए ये स्टेप हमने फालतू में कर दिया, इस स्टेप की तो जरूरत ही नहीं थी, देखिए क्या करते हैं हम, xy को यहां पे अलग अलग कर दो, xy क्या करते हैं यहां पे अलग अलग, 7x / xy - 2y / xy, ऐसे हो जाता है अलग, कोई इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, अगर कोई हो रहा हो सरप्राइज तो सरप्राइज होने वाली, डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया सेपरेट सेपरेट कर दिया दोनों के साथ, ठीक है। ये दोनों के नीचे ही तो है, तो इसको इसके नीचे अलग लिख दिया, इसको इसके नीचे अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत कर देना कि आप इनको ऊपर ऊपर से अलग कर दो, जैसे कहीं ऐसे लिखा हो 3 upon x + y, तो ऐसा मत कर देना 3 upon x + 3 upon y, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे डिनोमिनेटर एक्स वाई है, तो वो ऊपर वाले टर्म्स के लिए सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ अगर लिखा होगा यहाँ पे 3 + x, तो हम क्या करते 3 upon x + y + x upon x + y, ये कर सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, इसको मत कर देना। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा कर दे, तो आप भाई इलॉजिकल काम कर रहे हो, फिर तो इलॉजिकल जैसे नंबर आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स एक्स गया इधर, वाई से वाई गया, क्या जा रहा 7/y - 2/x = 5, किस में आ गई, अब इसको क्या कर लेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, सेम काम यहाँ पे करना है, 8x, ये 8x है, अपॉन एक्स वाई माइनस 7y / xy, वाई से वाई गया, एक्स से एक्स गया, क्या बचा 8/y - 7/x = 15, इसके बाद 1/y कॉमन है दोनों में, 1/x कॉमन है, माइनस का भी ले लेना, लेना चाहो तो मत लेना, कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगा वैसे भी, ठीक है।
इसके बाद रिड्यूसिबल फॉर्म में कर लेना, ठीक है भाई, ये भी हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एसआई 3.6 का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवेंथ पार्ट। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है, तो ऐसा करते हैं इसका लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट हम बना देंगे, उसमें हम कवर कर लेंगे ये वाली पार्ट्स। वर्ड प्रॉब्लम्स हम सेकंड पार्ट में करेंगे, अभी यहां तक कर देंगे ग्राफिकल मेथड तक, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी देखना जरूरी है, वर्ड प्रॉब्लम्स वहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3x + y + 1/3x - y = 3/4 and 1/2 3x + y - 1/2 3x - y। पॉज कर दीजिए वीडियो को, नहीं अभी नहीं, अभी तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। -1/8, अब पॉज कर दीजिए वीडियो को, अब तो रोक दीजिए, करना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा ज्यादा लाइट हो रहा है ठीक, फिर भी दिख रहा है ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉमन हो दोनों में उसको लेट करना है, तो पहले कॉमन देख लीजिए। यहाँ पे 3x + y है, यहाँ पे क्या है 2 × 3x + y, दोनों कॉमन क्या है 3x + y, दिख गया होगा सबको अब तक, तो बच्चे बहुत से यार है, कर दिया होगा भैया। 3x + y कॉमन है, इसको क्या ले लिया हमने, यू ले लिया। इधर 3x - y कॉमन है, देखिए 3x - y, इधर ये पूरा दोनों कॉमन क्या है 3x - y, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, देखिए दोनों अच्छे से देखिए 1/3x - y 1/2 × 3x - y, तो दोनों सेम होता है, क्या है 3x - y तो है और 1 भी ऊपर से, तो क्या आ गया 1/3x - y v के बराबर। तो इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 1/3x + y u प्लस v इक्वल टू 3/4, 4 को इधर ट्रांसफर कर देना, तो क्या आएगा 4u + 4v = 3। सेम इसमें नीचे वाले, नीचे के लिए क्या आएगा 1/2 है ना, तो 1/2 u, तो u 2 हो जाएगा v, 1/3x - y v है ना, तो v ऊपर आ गया, v माइनस v 2 इक्वल टू 1/8, 2 दोनों कॉमन है, 2 वाले 2, ये माइनस का है ठीक है, माइनस का 1/8, v u माइनस v इक्वल टू माइनस का 1/8, 2 से ये गया 4 टाइम्स, 4 को फिर ट्रांसफर कर दिया ठीक है, 2 से ये 4 टाइम्स जाएगा, या फिर इसको यहाँ पे भेज दो फिर हो जाएगा ठीक है। अब क्या आता है 4, अब 4 को इधर भेज दो, तो 4u - 4v = -1। अब ये इक्वेशन डायरेक्ट ऐड कर दो, v से v कट जाएगा, 4u बचेगा, वो आप सॉल्व कर लोगे इजीली। अब ये हमारा टॉपिक रिड्यूसिबल फॉर्म वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अभी भी अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, थोड़ा पीछे जाइए और देख लीजिए और फिर अपने आप कीजिए, पक्का हो जाएगा आपका, कोई कहीं रुकेगा नहीं कोई भी बच्चा इस टॉपिक में, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों ग्राफ्स, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ्स में कोई ज्यादा टैकल करने वाली कोई बात ही नहीं है, ग्राफ्स को हमको बस पता होना चाहिए कि यूनिक इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं बच्चों ग्राफ बनाना आता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अब ये 4 टाइम नहीं आपको ग्राफ बनाना सिखाया जाए, बता देते हैं 2 मिनट में बता देंगे। तो क्या होगा अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है x + y = 3, ठीक है, अगर x + y = 3 दे रखिए तो इसका ग्राफ बनाना है, तो x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू निकालिए, एक बार y की वैल्यू रखिए और x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, एक बार x वैल्यू रखिए और y वैल्यू निकालिए, एक बार y वैल्यू रखिए x वैल्यू निकालिए, और ये रखा है 3x + 4y = 8, ये x + y = 3 और 3x + 4y = 8। तो क्या करना है इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाइए, पहले बॉक्स बना लीजिए एक x और y, इसमें आपने x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा तो y वैल्यू कितनी आएगी 3, फिर आपने क्या किया y की जगह 0 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया तो x वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। एक बार इसमें करो, इसके लिए बॉक्स बनाया हमने x और y, ठीक है, आपने मन से कुछ भी रख सकते 1 2 3 4 5, हम 0 रखते हैं 0 से जल्दी सॉल्व हो जाता है, x की जगह 0 रखा 3 × 0 = 0, y वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये 0 + 4y = 8, 4y = 8, y = 8/2 = 4, ठीक है 2 आ गई। अब y के लिए 0 रख दीजिए, y के लिए 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8/3, ठीक है, तो 8/3 कितना आएगा 2.6666, ऐसे कुछ आएगा 2.67, ठीक है।
ओके अब क्या करना है, ग्राफ पेपर लीजिए, हमारा ग्राफ पेपर, ग्राफ पे नोट कर दीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, जीरो वो सॉरी जीरो नहीं जीरो यहाँ पे होता है जीरो कॉमा जीरो, वन टू थ्री, वन टू थ्री। इस इक्वेशन के लिए पहले लिखे एक्स वैल्यू जीरो वाई वैल्यू थ्री, एक्स वैल्यू जीरो वाई वैल्यू थ्री, एक्स की वैल्यू जीरो वाई वैल्यू थ्री, ये पॉइंट हो गया, एक्स वैल्यू थ्री वाई वैल्यू जीरो, एक्स वैल्यू थ्री वाई वैल्यू जीरो, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये बच्चों वाला टॉपिक है तो सबको पता होता, फिर भी थोड़ा रिविजन करने के लिए बता रहे हैं। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ये ग्राफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री का हो गया, एक ग्राफ हमारा इसका बनेगा, तो एट अपॉन थ्री टू पॉइंट सिक्स सिक्स, एक्स वैल्यू जीरो वाई वैल्यू टू, एक्स वैल्यू जीरो वाई वैल्यू टू यहाँ पे आ गया, एक्स की वैल्यू जीरो सॉरी एक्स वैल्यू एट अपॉन थ्री, एट अपॉन थ्री का डिवाइड करेंगे, देखिए एट अपॉन थ्री तो हमको पता नहीं क्या होता है तो डिवाइड कर लेते हैं, थ्री टू या सिक्स टू बचेगा, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ गया थ्री सिक्स, फिर एटीन फिर टू बढ़ेगा तो टू पॉइंट सिक्स सेवन हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, टू पॉइंट सिक्स सेवन आउट ऑफ करके ले लेंगे, तो एक्स वैल्यू कितनी होगी टू पॉइंट सिक्स सेवन, वाई वैल्यू जीरो वाई वैल्यू जीरो, एक्स वैल्यू टू पॉइंट सिक्स सेवन यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ कहीं आ रहा है, ग्राफ थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है इसके अंदर, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका, ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ऐसे आगे आई थिंक कट हो जाएगा, देखिए हाँ बिल्कुल सही बना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे जाके आई थिंक कट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, तो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ये किसका बना है हमारा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू एट, ठीक, ये बनाना सिखा दिया हमने ग्राफ। अब ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं, देखिए ग्राफिकल मेथड में पहला था यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये हमने कंडीशन से देखा यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए वहां पे कंडीशन क्या थी, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ग्राफ कट एट अ पॉइंट, ग्राफ कट एट अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा। दूसरी क्या थी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आप जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ एक जगह पे कट करेगा, यहाँ पे देखिए ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन थ्री, वन बी टू वन अपॉन फोर, वन अपॉन थ्री नॉट इक्वल टू वन अपॉन फोर, इसलिए ग्राफ ये आ जाके कट जाएगा यहाँ पे, आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो कट जाएगा पक्का, आई एम श्योर कटेगा ये ग्राफ। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, सब कुछ बराबर था, सब कुछ कैसा था बराबर, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब होगा जो ग्राफ की लाइंस होंगी ओवरलैप कर जाएंगी, ओवरलैप या फिर को इनसाइड, टर्म्स को याद रखिए, ओवरलैप या फिर को इनसाइड, मतलब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाया आपने पहली लाइन ऐसी बन गई तो दूसरी लाइन जब बनाओगे वो भी इसी के ऊपर आएगी बिल्कुल सेम, पूरी लाइन डिफरेंट नहीं आएगी, आपने ग्राफ बनाया पहली लाइन ऐसी बन गई तो दूसरी लाइन जो होगी वो भी पूरी सेम इसके ऊपर आ जाएगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे, एक के अंदर कोइंसाइड कर जाएंगे, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे दोनों में, जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे एक जगह कट रहा था तो एक सॉल्यूशन, यहाँ पे कितनी जगह कटेगा, हर जगह कटेगा, हर पॉइंट पे कटेगा, वो तो मिलेंगे सब जगह, ठीक है। जहां पर पहली लाइन की इक्वेशन, मतलब पहली जो इक्वेशन का जो लाइन है और दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है वो दोनों जहां जहां कटती है वो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हर जगह कट रही है तो क्या होगी, ओवरलैप कर गई और बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। तीसरी क्या थी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो मैंने बताया ग्राफ दी जगह करता हमने सॉल्यूशन, इसका तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मतलब एक भी जगह ग्राफ नहीं कटेगा, एक लाइन ऐसी आ जाएगी एक लाइन ऐसी आएगी, कटेगी ही नहीं कहीं, एक लाइन ऐसी आएगी एक लाइन ऐसी आएगी, कहीं नहीं कटेगी, ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, ग्राफिकल मेथड तक हो गया, ठीक है। ग्राफ आपका पेपर में कुछ आपसे करवाएगा नहीं, याद नहीं देगा, ग्राफ बना के देगा, उसे पूछेगा ये यूनिक सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली नो सॉल्यूशन है, या फिर आपसे पूछ लेगा ये ग्राफ दे रखता है इसके सॉल्यूशन बताइए, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिस पॉइंट पे काटे उसी पॉइंट पे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्राफ कहां कट रहा था, यहाँ कट रहा था, तो यहाँ से एक्स की तरफ जाइए, एक्स की तरफ कितना, जो जिस पॉइंट पे एक्स की तरफ आए तो वो एक्स वैल्यू होगी, जिस पॉइंट पे वाई की तरफ आए वाई वैल्यू होगी, यही पूछेगा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। सब बता दिया, यूनिक सॉल्यूशन है कट एट अ पॉइंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन था एक ऊपर एक कोइंसाइड कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, दो सॉल्यूशन था एक ही जगह नहीं कटेंगी, ग्राफ जैसे समझिए ये रहा हमारा ग्राफ, तो एक इक्वेशन ये बनेगी दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, पैरेलल चलेगी एक दूसरे के, ठीक है, कहीं भी नहीं कटेंगी ये, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो गए हमारे ग्राफिकल मेथड। अब जो बाकी के बड़े प्रॉब्लम्स है इसके लिए हम बना देंगे नेक्स्ट वन शॉट वीडियो, नेक्स्ट इसका पार्ट टू, ये पार्ट बनता है पार्ट टू तक, वीडियो ऑलरेडी एक घंटे अठारह या उन्नीस बीस मिनट की हो चुकी है, हम इसको और लंबा करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि बच्चों समझ में नहीं आएगा फायदा क्या है लंबा करने से,
तो वीडियो आपने देख ली, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाएगा और पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चंस लगाते रहें, क्वेश्चन लगाओगे बढ़िया कैसे करो स्ट्रांग होती है रोज अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन से, कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रांग हो रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने से। ठीक है, तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।